हेलो माय नियर एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल हेमुआर्ड में। और आज की इस वीडियो में बनाने वाले हम नेचुरल लैंडस्केप, और नेचुरल लैंडस्केप में हम बनाने वाले छोटी सी रिवर का, जिसके आसपास का एरिया किस तरीके का दिखता है, तो उसी टाइप का एक छोटा सा लैंडस्केप आप लोगों के लिए इस वीडियो में बनाने वाला हूं। आशा है कि आप लोगों को पेंटिंग पसंद आई, लेकिन इस वीडियो में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है मेरे साथ। और क्या प्रॉब्लम है, आप लोग इस वीडियो को देखिए तो आप लोग खुद ब खुद पता चल जाएगा, नहीं पता चलेगा तो मैं आपको इस प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो आप विजिट करें। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो आपको पता चली गया होगा क्या प्रॉब्लम इस वीडियो में आई थी, नहीं पता चला तो मैं आपको बताने वाला हूँ उसी प्रॉब्लम के बारे में। और बहुत बड़ी प्रॉब्लम भाई साहब, आप सुनोगे तो आपका दिमाग के तंतु भी हिल जाएंगे। किसी के साथ ऐसा कभी हुआ होगा या हुआ है तो मेरे जैसा ही वो व्यक्ति है। मेरे पास जो कैमरा है उसमें 16 GB का मेमोरी कार्ड लगता है, और उसमें उतना ही स्पेस होता है जितना मेमोरी कार्ड है, सभी जानते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो उसमें मैंने जितना वीडियो में शूट कर लेता हूँ उसके बाद जो कैमरा फुल हो जाता है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बनता है, 16 GB से कुछ भी नहीं होता, तो बहुत बड़ा वीडियो बनता है, तो जितनी मेमोरीज कैमरे में लगी हुई है उससे तो कुछ होता नहीं है। तो जितना भी स्पेस इसमें फुल हो जाता है उसके बाद उसको मैं मोबाइल में लेता हूँ एडिट करने के लिए, लेकिन मेरे पास जो मोबाइल है उसमें भी इतनी स्पेस नहीं है कि मैं उसको एक साथ लेकर के एडिट कर लूँ, तो मैं उसको टुकड़े टुकड़े में लेकर के एडिट करता हूँ हर बार। लेकिन इस बार क्या हुआ कि मैंने सारा जो है एडिट करने के लिए बहुत ज़्यादा पार्ट मेरे मोबाइल में ले लिए थे, तो उसमें स्पेस बची नहीं है, तो मैं उसको एक्सपोर्ट कैसे करता, तो मैंने उस आधे पार्ट को क्या करा कि मैंने पेन ड्राइव में डाला और उसके बाद उसको एक्सपोर्ट किया। अगली बार फिर से जो पार्ट बचे तो उनको लिया, और वो जो मैंने पेन ड्राइव में जो पार्ट डाले थे उसको वापस से जब मोबाइल में लिया तो वो पार्ट करप्ट हो चुके थे। मैंने बहुत मुश्किल से उन पार्ट करप्ट पार्ट को जो सही करने की कोशिश करी, चलाने की कोशिश करी, सारे कुछ एप्लीकेशनों का यूज़ करा चलाने के लिए, लेकिन कोई भी एप्लीकेशन किसी भी चीज़ का उपयोग मैं नहीं कर पाया, यूज़ नहीं कर पाया उन करप्ट को ठीक करने के लिए, करप्ट वीडियो को ठीक करने के लिए, तो वो पार्ट तो चले गए, वो चले ही नहीं। उसके बाद वो 2-3 पार्ट थे, उसके बाद फिर मैंने डबल जो कुछ पार्ट कैमरे में रखे हुए थे उसको डबल से लिया, तो फिर वही प्रॉब्लम आई कि मैं कैमरे में मोबाइल में ज़्यादा स्पेस हो गई थी, तो वो फिर एक्सपोर्ट नहीं हो पाया, तो मैंने कुछ पार्ट फिर से वापस पेन ड्राइव में डाले, तो पेन ड्राइव से वापस लिए तो भी करप्ट हो गए। तो ये प्रॉब्लम हुई, हर बार तो नहीं होती, लेकिन इस बार क्या पता क्यों, एक बार पहले भी हुई थी उसमें 2 पार्ट ही करप्ट हुए थे, लेकिन इस बार इस वीडियो के बहुत सारे पार्ट करप्ट हो चुके थे, कम से कम समझ लो आप 10 पार्ट जो 6-6, 7-7 मिनट के होते, वो पार्ट सारे करप्ट हो चुके थे, तो उनको मैं एडिट ही नहीं कर पाया। और मुझे ऐसा लगा था कि इस वीडियो को मैं नहीं डालूंगा कि आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें पार्ट पूरे है ही नहीं, तो मैंने सोचा कि पहले भी बहुत टाइम हो चुका है वीडियो डाले, 4 दिन हो चुके, 5 दिन हो चुके, नहीं डालूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लूँगा मैं, क्योंकि अगली वीडियो पेंटिंग बनाऊंगा तो उसमें 4-5 दिन लग जाएंगे। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ प्रॉब्लम शेयर की जाए और आप लोगों को बताया जाए कि ऐसी प्रॉब्लम मेरे साथ हुई है, क्योंकि मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर होता तो ऐसी प्रॉब्लम आती ही नहीं, क्या पता पेन ड्राइव खराब होगा इसलिए उसमें सारे जो वीडियो मैंने पार्ट जो डाले थे वीडियो को करप्ट हो चुके, इसलिए वो प्रॉब्लम आ रही है वो पेन ड्राइव के चक्कर में, तो मैं पेन ड्राइव चेंज कर लूँगा।
और आने वाले समय में आप लोगों ने साथ दिया तो मैं कंप्यूटर ले लूँगा, तो आपको अच्छे से अच्छे वीडियो के द्वारा आप लोगों को अच्छे से अच्छे पेंटिंग सिखा सकूँ और पेंटिंग से आपको लोगों को एंटरटेन कर सकूँ। तो आप लोगों को साथ रहा तो शायद हम आगे कंप्यूटर खरीद लेंगे और ऐसी प्रॉब्लम कभी बाद में हमारे साथ नहीं होगी। अब मैं ध्यान रखूँगा कि उस पेन ड्राइव में ऐसे पार्ट न डालूँ ताकि मेरे को एक्सपोर्ट में या फिर वीडियो एडिटिंग करने में दिक्कत आए, पार्ट मिस होने के कारण आप लोग वीडियो सही से नहीं विजिट कर पाए। तो ये प्रॉब्लम थी, तो इस प्रॉब्लम के लिए आप लोगों से मैं माफ़ी चाहूँगा, सॉरी आप लोगों के लिए। अभी रुकी ये भी लास्ट का पार्ट बाकी है, उसको आप देख करके जाना। लास्ट का जो पार्ट था वो कैमरे में ही था, तो वो करप्ट नहीं हुआ है, वो मेरे पास सिक्योर था, तो मैंने उसको एडिट कर लिया था। तो लास्ट का जो इसका जो रिजल्ट है पेंटिंग का, वो आप लोगों के सामने आप लोगों को दिखेगा, इसके बाद फिर उसको आप विजिट करें। आशा है कि आप लोगों को ये पेंटिंग पसंद आई होगी और ये इसके एफर्ट भी काफ़ी अच्छे लगे होंगे, क्योंकि एफर्ट तो क्या है, बहुत सारे पार्ट डिलीट हो चुके। जैसा भी आपको वीडियो लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग पेंटिंग के साथ मैंने चैनल पे आप लोगों को इंटरटेन करता रहता हूं और ऐसी पेंटिंग डालता रहता हूं और आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखाता रहता हूं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूं आपको नए इंटरेस्टिंग वीडियो में नए इंटरेस्टिंग पेंटिंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, वंदे मातरम।